विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया भर के देश पर्यावरण की रक्षा के लिए एक साथ आते हैं। यह दिन वैश्विक जलवायु संकट पर केंद्रित है, जो हर दिन के साथ चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। पृथ्वी दिवस अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। ग्रह को समर्पित विशेष दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन का आह्वान करता है। इस विशेष दिन पर हम पर्यावरण की बढ़ती समस्याओं पर जोर देते हैं, जिसमें अधिक जनसंख्या, जैव विविधता का नुकसान, ओजोन परत का नुकसान और बढ़ता प्रदूषण शामिल है। यह कार्यक्रम पहली बार 22 अप्रैल 1970 को आयोजित किया गया था और तब से हर साल मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस पर लाखों लोग प्रदूषण और वनों की कटाई जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जुड़ते हैं। बहुत से लोग विभिन्न जलवायु मुद्दों के बारे में युवा दिमाग को शिक्षित करने के लिए, पर्यावरण संरक्षता के विषय पर चर्चा करने के लिए कार्यक्रम में भाग लेते हैं और आयोजन भी करते हैं। पृथ्वी दिवस पर जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गूगल भी एक एनिमेशन डूडल बनाता है। जब आप क्रोम इंटरनेट ब्राउजर पर गूगल सर्च होम पेज पर जाते हैं तो टाइम लैप्स एनिमेशन के साथ आपका स्वागत किया जाता है। पृथ्वी दिवस का विचार पहली बार 1969 में यूनेस्को सम्मेलन में शांति कार्यकर्ता जॉन मैकोनोल द्वारा किया गया था। प्रारंभ में इस दिन की अवधारणा पृथ्वी का सम्मान करने और उस पर शांति बनाए रखने के लिए थी। 22 अप्रैल 1970 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया। 1990 में डेनिस हेज ने विश्व स्तर पर इस दिन को मनाने का विचार बनाया और इसमें 141 देशों ने भाग लिया। साल 2016 में पृथ्वी दिवस को जलवायु संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया गया। इसके लिए एक अंतर सरकारी संधि पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 2020 में पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ बनाई गई। हर साल इंटरनेशनल मदर अर्थ डे को एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस थीम को पूरे साल अपने सभी गतिविधियों में शामिल किया जाता है। साल 2024 की थीम इन्वेस्ट इन अ प्लैनेट है। यही थीम साल 2022 में भी रखी गई थी। यह थीम जनता, विभिन्न व्यवसायों और सरकारी संगठनों से लोगों को जोड़ने और प्राकृतिक संकट से निपटने के लिए प्रत्येक की जिम्मेदारी को उजागर करने पर जोर देता है। 22 अप्रैल एक महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु शुरू होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्प्रिंग ब्रेक मनाया जाता है, इसलिए स्कूल बंद रहते हैं। पहला पृथ्वी दिवस समारोह 2000 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, लगभग 10,000 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों और संयुक्त राज्य भर में सैकड़ों समुदायों में हुआ था। अप्रैल 1970 में लगभग 20 मिलियन अमेरिकी पर्यावरण सुधार के पक्ष में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए बसंत की धूप में निकले। पृथ्वी दिवस का नाम कैसे रखा गया? गोलार्ड नेल्सन ने कहा कि पृथ्वी दिवस का नाम तय करने में उन्होंने अपने दोस्तों की मदद ली थी। जूलियन कोएनिक नेल्सन की आयोजन समिति में थे। यह विचार गोलार्ड के जन्मदिन के संयोग में आया था, इसके लिए 22 अप्रैल को चुना गया। रॉन कॉब ने एक प्रतीक बनाया और इसे 25 अक्टूबर 1969 को प्रकाशित किया। ये ई और डी अक्षरों का संयोजन था। बाद में यह प्रतीक पृथ्वी दिवस से जुड़ा और इसका नाम अर्थ डे पड़ गया। अर्थ वीक क्या होता है? इस अभियान की ओर अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ लोग 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक अर्थ वीक मनाते हैं। यह सप्ताह स्वयं के साथ दूसरों को अर्थ वीक,
जलवायु परिवर्तन और इसे रोकने के लिए कार्य करने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करने के लिए समर्पित है। कितने देश पृथ्वी दिवस मनाते हैं? दुनिया भर में लगभग 193 देश पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पहले यह दिवस केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मनाया जाता था। हालांकि 1990 में डेनिस हेस ने इस दिन को विश्व स्तर पर मनाने का विचार बनाया और उसमें 141 देशों ने भाग लिया। तो यह थी जानकारी पृथ्वी दिवस के बारे में। अगर आपको हमारी दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और तो और इसे जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि और लोगों को भी तो पता चले कि पृथ्वी दिवस क्यों मनाते हैं, इसको बनाने की शुरुआत कब से हुई और इसको 22 अप्रैल के दिनांक में ही क्यों मनाया जाता है। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, और आपको ekprayas.s की तरफ से पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।